हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। तो जी बच्चों, रेडी हो जाए मैथमेटिक्स समझने के लिए। जो आज क्लास में समझेंगे वो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 समझेंगे। ठीक, कॉपी पेन साथ रखें ताकि हर चीज नोट करते जाएं, फुल्ली कंसंट्रेशन से बैठें, समझें, समझने की कोशिश करें ताकि हर चीज समझ में आ जाए। एक प्रोपोजिशन गिवन है, जो हर प्रॉब्लम में वही है, प्रूफ करनी है मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूफ करने के लिए ये तीन स्टेप्स हैं जो हर प्रॉब्लम में सॉल्व करते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1 एंड 2 सिंपल स्टेप्स हैं, मेन स्टेप नंबर 3 है जो समझेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करना है तो दो, ये क्वेश्चन गिवन है 1 के साथ ये उल्टा आई लिखा हुआ, इस आई का मतलब क्या है समझिए। इसको नाम लेंगे फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3, डॉट डॉट n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n, n माइनस प्लस 1 होल फैक्टोरियल प्लस माइनस 1, इसका नाम है फैक्टोरियल। ठीक, अब फैक्टर का मतलब क्या है, मिसाल तौर पर अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में 1 माइनस करने के बाद 2, 2 में 1 माइनस करने के बाद 1। 3 फैक्टर में जिस नंबर का आपका फैक्टोरियल है उस नंबर से स्टार्ट करें, 1 लेस करते जाएं 1 तक ले जाएं। फॉर एग्जांपल अगर 6 फैक्टोरियल है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल का मतलब मींस लार्जेस्ट नंबर को, अब लेट से कोई नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बहुत बड़ा मिलेगा, उस लार्जेस्ट नंबर को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करने का वे फैक्टोरियल कहलाएगा। कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे नंबर को लिखेंगे, वो आपके सामने ये नंबर आई बस कर दिए। अब समझ में आया फैक्टोरियल क्या है, सही है? तो आइए हम प्रॉब्लम की तरफ मूव होते हैं। ये समझना भी जरूरी था ताकि समझ में आ जाए क्या हो रहा है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, वेरीफाई करना है इस फार्मूला को n = 1 पे। n मींस नेचुरल नंबर, इस प्रोपोजिशन में n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर मींस वो नंबर वो चाहे स्टार्ट फ्रॉम 1, तो इसलिए 1 सबसे पहले काउंटिंग नंबर है, 1 से स्टार्ट होगा, तो n की जगह पे 1 इसलिए लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज है, ये है जनरल टर्म और एंड टर्म ऑफ द सीरीज। तो हम सीरीज के एंड टर्म को ही टेक आउट करेंगे, कंप्लीट सीरीज को टेक आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरल टर्म गिवन है। ठीक, एन की जगह पे 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1, 1 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, सिंपली एन की जगह पे 1 लिखो, 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 ही होगा। 1 फैक्टोरियल मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 प्लस 1 मींस 2 फैक्टोरियल साइन माइनस 1, 1 1 जा 1, 2 फैक्टोरियल मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फैक्टर 9 साइन को हटाने के बाद उस नंबर को आप 1 लेस करते जाएं 1 तक, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू 2, 1 जा 2 माइनस 1, सो 1 इक्वल टू 2 में 1 माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 1, सही, दोनों साइड का आंसर सेम मिला, यही चाहिए। तो मींस स्टेप नंबर 1 वेरीफाई हो चुका है, तो लिखेंगे हैं गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू एट n = 1, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व किया, फाइनली आंसर दोनों साइड का सेम मिला, तो मींस प्रोपोजिशन ट्रू है n की वैल्यू 1 पे। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 वही सिंपल है, सिंपली n की जगह पे k लिखना है। लिखा हुआ क्या है यहां पर, कह रहा है अज्यूम द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू, अज्यूम कर रहे हैं कि सम इंटीजर पे ये प्रोपोजिशन ट्रू हो जाए, वो मींस n की जगह पे सिंपली k लिखना है, नथिंग एल्स। कैसे, प्रॉब्लम जी आपके सामने है, 1 फैक्टोरियल * 1, 2 फैक्टोरियल * 2, 3 फैक्टोरियल * 3 प्लस डॉट डॉट एन फैक्टोरियल है प्रॉब्लम में, तो हम क्या करेंगे, के फैक्टोरियल इंटू के इज इक्वल टू के प्लस 1 फैक्टोरियल
माइनस वन। तो ये शायद ऐसे प्रॉब्लम जो ही वही लिखा हुआ है, सिंपली एन की जगह पे के लिखा है। तो यहां पर इसको इक्वेशन नंबर वन का नेम देकर असाइन किया, लॉक कर दिया, सही। अब मैं स्टेप नंबर थ्री है जो आपको दोस्त से समझना, सही भाई। स्टेप नंबर थ्री समझते हैं क्या है। सो देखिए स्टेप नंबर थ्री में ये कह रहा है कि वी शुड प्रूव द फार्मूला, इस फार्मूला को प्रूव करने जा रहे हैं फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म है वहां पर एन की जगह पे के प्लस वन चाहिए, वो प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करने के लिए सीरीज के पहले nth टर्म को टेक आउट करेंगे, पहले सीरीज के nth टर्म को टेक आउट करेंगे, वो n फैक्टोरियल इनटू n, ये nth टर्म। अब इस nth टर्म में जो n है वो n को रिप्लेस करेंगे, पहले कहा कैसे चाहिए क्या k प्लस 1 चाहिए, तो n इज रिप्लेस बाय k प्लस 1 फैक्टोरियल साइन इनटू n की जगह पे k प्लस 1। सिंपली कुछ भी नहीं कर सकते हो, सैमसन लिखा, सही। अब ये फैक्टर जो है मजीद हल नहीं कर सकते, तो इसी फैक्टर को हम ऐड करेंगे स्टेप नंबर टू में जो इक्वेशन वन है वो, इसकी दोनों साइड प्लस करेंगे इस फैक्टर को, ठीक है। देखिए तो मैं लिखूंगा यहां पर वी ऐड के प्लस वन फैक्टोरियल इनटू के प्लस वन को इक्वेशन नंबर वन ऑन बोथ साइड, इक्वेशन वन की दोनों साइड्स पे प्लस करेंगे। तो पहले इक्वेशन वन जो भी है एज इट लिखेंगे, वन फैक्टोरियल इनटू वन, टू फैक्टोरियल इनटू टू, थ्री फैक्टोरियल इनटू थ्री, डॉट डॉट के फैक्टोरियल इनटू के इक्वल टू के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन। तो सिंपली ये है इक्वेशन नंबर वन, सेम एज इट लिखेंगे। अब इसी क्वेश्चन नंबर वन की दोनों साइड पे हम ऐड करेंगे इस फैक्टर को जो सीरीज के लास्ट टर्म से मिला है। तो देखिए वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन, टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू, थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय थ्री, डॉट डॉट के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय के। तो यहाँ पर प्लस करना है के प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय के प्लस वन लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन टर्म के साथ भी ये ही टर्म ऐड करना है, सही है, ऐड हुआ। तो ये आपके सामने दोनों साइड पे प्लस किया। अब प्लस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड जो सीरीज है जिसमें प्लस किया उससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं, उसको लिमिट कर हम सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे जो भी है वो सॉल्व करेंगे, जस्ट एन की जगह पे के प्लस वन हमें मिलना चाहिए, वो कैसे भी करके के प्लस वन मिलेगा, समझेंगे कैसे आ रहा है। तो टर्म के हिसाब से के प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक। उसके बाद इस टर्म को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके देखने की कोशिश करूंगा, के प्लस वन फैक्टोरियल इनटू के प्लस वन एंड ये माइनस वन लॉस पे लिखा, रीअरेंज किया है, सही है। अब देखिए रियलिस्टिक क्या है, दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म प्लस ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इन दोनों में के प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन है, इसको कॉमन लेने के लिए रीअरेंज किया है। तो के प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद ये कंप्लीट टर्म यहां से कॉमन है तो पीछे कुछ भी नहीं है, तो मीन्स वन एंड यहां पर के प्लस वन रहेगा, जो फैक्टोरियल टर्म कॉमन है, बाकी के प्लस वन तो है माइनस वन रिमेंस है, ठीक। अब देखेंगे के प्लस वन फैक्टोरियल एन टू के, पहले वन प्लस वन, वन प्लस वन इज टू माइनस वन, सही आई बात समझ गए। अब देखें अगर थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई का हमारे पास कोई भी नंबर फोर है तो इस नंबर को हम फोर फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखिए थ्री फैक्टोरियल है, थ्री फैक्टोरियल मीन थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन इंटू फोर, फोर ऑलरेडी है, तो इस नंबर को अगर रीअरेंज करें तो फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन मीन थ्री फोर फैक्टोरियल, सही है। तो जिस नंबर का फैक्टोरियल है
उससे वन प्लस नंबर एक ऑलरेडी हमारे पास मल्टीप्लाई में मौजूद है, तो वही फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो यहां पर वो एग्जांपल समझाने का रीजन यही है, k प्लस वन फैक्टोरियल k प्लस टू मौजूद है, तो इस नंबर को कंप्लीटली हम k प्लस टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं माइनस वन से, मर्ज कर दिया है, समझाया आपको, सही है। अब k प्लस टू को अगर वन प्लस वन लिखू टू को, तो फिर भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए, वन प्लस वन लिख टू क्यों लिखा है, क्योंकि रीअरेंज करना है, n की जगह पे k प्लस वन ठीक, ये प्लस वन फैक्टोरियल साइन माइनस वन, क्या चाहिए n प्लस वन, n मीन्स k प्लस वन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन, यही चाहिए था, इसलिए मैनेज किया है, प्रूव, ये प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। ओके बच्चों, आई बात समझ में क्लियर है, तो गौर से समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा, एंड देन प्रैक्टिस तो नहीं होगा, ठीक है। अब तो फाइनली आप लोगों का फर्ज है, बनता है कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे, आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सीखें, कंप्लीट कर सकें। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।